हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा गौतम, आप देख रहे हैं जी ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वॉलपेपर कैसे लगाते हैं ये वाला वीडियो। तो दोस्तों यहां पर ये भी वॉलपेपर जो है ना सेट कर रहे हैं, और मैंने ये वॉलपेपर दोस्तों अपने पसंद से बनवाया है और कस्टमाइज है। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर किया जाए कि ये भी कैसे लगता है और इसकी थोड़ी सी जानकारी भी आपको दे दी जाए। तो बस यहाँ पे भैया ना एजेस की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कटिंग करके नहीं आता है, बस ये नाप ले गए थे भैया पहले हमारी वॉल का, और इसमें ना नाप का बड़ा झंझट पड़ता है। तो मेरी जो वॉल है उसमें पिलर था, तो उस पिलर का नाप अलग से लिया गया था और उसके बाद पूरी वॉल का नाप लिया गया था। उसके बाद भी इन्होंने अभी नाप नाप के ही पूरा सेटिंग करी है। बस ये काट के ना कोई सोल्यूशन आता है इनका, वो सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनाते हैं और पानी मिलाते हैं उसमें, उसके बाद उसको चिपकाते हैं। तो ये जो है ना मैंने कस्टमाइज करवाए थे, इनको महंगा पड़ा है थोड़ा सा, 70 रुपये स्क्वायर फीट आता है जो कस्टमाइज हम कराते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके पेपर के ऊपर जो है होता है कि आपने कौन सा पेपर जो है वो बनवाया है, और तीन तरह के पेपर होते हैं, इसमें IG होता है एक, और एक ये जो होता है कागज वाला जो होता है वो होता है, और एक प्लास्टिक वाला होता है। तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, इसकी नॉलेज मेरे को ज़्यादा नहीं है। दरअसल हमने जब बनवाया था तो उन्होंने हमें बताया था, तो उस हिसाब से हमने बनवाया ये ताकि वॉल पे अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि प्लास्टिक वाला जो होता है उसमें बाद में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, शायद हट भी सकता है, थोड़ा वो हट जाता है। तो फिर हमने कहा कि अच्छे से ग्लू लगा के चिपकाए थे ताकि भी निकलना, तो उन्होंने ना वॉल के ऊपर भी फिर ग्लू लगाया था, उसके बाद चिपकाया था। और एक चीज़ और होती है दोस्तों इसके अंदर कि हम जब इसे पेंट कराते हैं तो LG के अंदर थोड़ा अलग आता है, क्योंकि जो हम मोबाइल के अंदर या कहीं और फोटो देखते हैं तो उनमें मल्टीमीडिया कलर होते हैं, तो और बाकी वैसे कलर वो सारे आते नहीं हैं जो हम रियल में देखते हैं, तो वैसा तो बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करी इन्होंने बिल्कुल सेम वैसा बनाने की, और काफ़ी अच्छा भी लगा आपका काफ़ी हद तक। तो जैसे मोबाइल में हम देखते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसा तो नहीं हो सकता कोई भी वॉल पेपर, तो आप मोबाइल पे ना जाया करें और अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको विश्वास है वहाँ से वॉल पेपर लगवाएँ, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है जो न्यू होते हैं जो नहीं पता वॉल पेपर जो नए नए शॉप सकते हैं वहाँ। तो आपका जहाँ जानकारी अच्छे हो, जहाँ आपको पता हो वैसे आपको लगाना चाहिए। और इन्होंने ना बहुत अच्छे से लगाया था, और मेरे पास एक जो है टूल था उससे ये फिनिशिंग देते जा रहे थे, उसको स्मूथ कर रहे थे, और अच्छे से इन्होंने पीछे ग्लू लगा लिया था, और उसके बाद इसे चिपका रहे थे अच्छे तरीके से। तो लगने के बाद तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये, बस थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये कस्टमाइज है। अगर आप चाहें तो विदाउट कस्टमाइज भी ले सकते हैं, जो रोल आते हैं वो 500 पेपर रोल आते हैं, पर वो कहते हैं कि वो ना वो होता है क्या बोलते हैं जिससे उनका वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, या वो हो जाते हैं क्या बोलते हैं पुराने टाइप से हो जाते हैं, तो वो फिर वो 500 रुपये के बिक जाते हैं। और लगाने का दोस्तों जो कस्टमर को तो होता है वो ये लगाई 1000 रुपये तक चली जाती है, और बाकी जो रोल होता है वो 300 रुपये पर रोल लेते हैं ये लोग लगाने के। तो ये देखिए टूल है इनके पास, उसको स्मूथ कर रहे हैं। तो मेरी अगर माने तो आप कस्टमाइज ही लग रहे हैं, क्योंकि पूरा वॉल का आपका पता लग जाता है कि आपको कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, पूरा अच्छे से नाप लेके जाते हैं आपको वॉल का, और वैसे वाले में तो वॉल कम कर देते हैं। तो आपको कैसा लगा दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग, और अभी बस मैं आपको दिखा देती हूँ ये पूरा स्मूथ करके ना, बस जल्दी से लगा लेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखा लूँगी कि इन्होंने कैसा लगाया और कैसा लगा मेरा वॉलपेपर। बाकी अभी तक तो सबने तारीफ करी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है जैसे होटल में या फिर किसी ऑफिस वगैरह में लगता है ना, तो ये मैंने खुद चूज़ किया था और अपने आप से कस्टमाइज करवाया, इसलिए इतना सुंदर लग रहा है। बाकी आप अपनी मर्जी से लेके आ सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, पर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये, और आपको कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने सोचा कि हाँ आपके साथ शेयर की जाए, अगर मेरे घर की कुछ तस्वीरें अभी तक मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं है नए घर का, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे आप दिखाना तो है ही, तो मैंने सोचा कुछ कुछ वीडियो बनाते हैं जो आपके काम भी है और आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है चीज़ें देखने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा भी थोड़ा सा मन हो गया है, और मैं भी फिर जो है वीडियो बना तो लेती हूँ लेकिन फिर अपलोड नहीं कर पाती। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और ये ना बड़ा अच्छा इनका मेरे एक तरीका लगा लगाने का, फोल्ड कर करके वरना इतना लंबा वॉल पेपर लगेगा। तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे से स्मूथ कर दिया, और अच्छे से इन्होंने ग्लू भी लगाया, अच्छे से वो चिपक भी गया, और कहा था कि 24 घंटे तक
वो पंखा नहीं चलाना, अच्छे से ग्लो चिपक जाना चाहिए, तो वो अच्छे से चिपक गया और बहुत स्मूथ और बहुत सुंदर बन गया। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ उसका। तो दोस्तों ये है फाइनल लुक, और आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरी वीडियो ऐसे ही वॉच करती रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। आपके लिए बाय बाय।